देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद एक और बात आई है, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस जिले में कोरोना हॉटस्पॉट नहीं बनेगा उस जिले को लॉकडाउन में कुछ छूट दी जा सकती है। जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने कहा कि जनता के सहयोग से जिले में कोई कोरोना का मरीज नहीं पाया गया, लेकिन जिले के आसपास वाले जिलों में मरीज पाए जा चुके हैं, इसलिए खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह 24 दिनों तक लॉकडाउन का पालन किया गया है उसी तरह 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने कहा, मैं आपसे सबका अपील करता हूं कि आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सुबह अपील किए थे, वैसे लॉकडाउन पीरियड बढ़ा कर मई 3 तक चलेगा, हम लोग को और करीब 18 दिन है। बट ये मैं इतने आश्वस्त करता हूँ जिला प्रशासन के तौर से, आपका कोई कमी महसूस नहीं होगा, कोई असुविधा नहीं होगा, आपको जो भी सुविधा है अब घर पे पहुंचा देंगे। 24 घंटे हम लोग आपके लिए सेवा में तैयार रखते हैं, तैयार रहते हैं। आपसे एक ही विनम्र अनुरोध है, वैसे प्रधानमंत्री जी ने 7 बिंदु सुबह बताए थे क्या क्या चीज़ कराना है, उसी का पालन करें। हमारा साथी कोई भूखे हैं तो फिर उनको कृपया करके ध्यान रखें और घर से बाहर ना निकालें। आपके घर का बुज़ुर्ग जो भी है उनको ख्याल रखिए, ताकि अब तक ये बीमारी है खासतौर पर बुज़ुर्ग लोग की निशानी बना करके टारगेट किया है। और हाथ बार बार धो लीजिए, ये सोशल डिस्टेंस है, यही मूल मंत्र है इसका, आप दूसरे के दूरी बनाए रखिए। ये अभी के नहीं है, आगे भी आपका लाइफ में एक अंक के रूप से इसका आदत को डालना होगा, ताकि हमेशा के लिए ये बीमारी से हम बचाने के लिए एक ही तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग, फिर हाथ बार बार धोना, फिर मास्क पहन के बाहर जाना है। आपसे विनम्र अनुरोध है, अम्बेडकर जी के जयंती में उनका दिया हुआ शर्तें भी याद रखें, और आज प्रधानमंत्री जी ने सुबह दिया है वो 7 शर्तें उसको भी याद रखें, ज़रूर कोरोना को भी पार करेंगे और देश आगे बढ़ेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो आपने भाषण में सुबह बताए थे, संभवतः कल नहीं तो परसों इसको विस्तार से डायरेक्शन जारी करेंगे। अभी वैसे ही हम लोग रिलैक्स कर रहे थे, लग रहा था ये जो स्पॉट कहाँ ज़्यादा बीमारी नहीं है, हॉटस्पॉट नहीं है, उसी जनपद में और कोई छूट जीत आई थी, बट उस पर शर्त के साथ होगा। शर्त यही होगा, सोशल डिस्टेंसिंग, अनावश्यक तौर से घर से बाहर ना निकलना और मास्क पहनना और हाथ धोना, ये तो शर्तें तो रहेंगी रहेंगी। अब इसी के लिए आप तो उस पर खुशियाँ मनाने के माहौल नहीं है, ताकि हमारा साथी जनपद आसपास जनपद सफ़र कर रहा वो भी तो अभी परेशानी में है, अब वो बंदा कोई आ जाए नहीं तो हम लोग वहाँ जाएँ, दोनों खतरे के एक तरफ से वो ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए आपसे अपेक्षा करता हूँ जो अभी आप फिलहाल 21 दिन क्या, हम लोग तो तकरीबन 25 दिन जो गोरखपुर में लॉकडाउन का हम लोग अच्छा से पालन किए, उसको परिणाम है एक भी मरीज़ गोरखपुर में नहीं है। मैं चाहता हूँ गोरखपुर वासियों से आगे भी हमें सहयोग करें, ताकि ये गोरखपुर में 0 केसेस के हिसाब से हम आपके सहयोग से ले जाएंगे, आपका भला के लिए प्रशासन आपके साथ है, आप हमारा साथ दें, यही मैं अपेक्षा करता हूँ।